हेलो दोस्तों, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इजी और टेस्टी बैंगन की सब्जी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए जो बड़ा बैंगन आता है वो बैंगन लिया है मैंने, उसमें क्यूब में काट दिया है और पानी में डाला है। प्याज को बारीक काट लिया है, हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है, आला लहसुन पेस्ट, ये गुड़ है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो यूज़ मत कीजिए। ये गोड़ा मसाला है, इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च के पाउडर। ये सब्ज़ी बनाने के लिए किसी भी तरीके का बैंगन यूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा हरा वाला कोई भी चलेगा। अगर आपको पसंद है तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो चलिए बनाते हैं। एक पैन में 2 से 3 टीस्पून तेल लिया है, उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सफ़ेद वाला तिल और कटा हुआ हरी मिर्च डाल के ज़रा सा भूनेंगे। उसके बाद कटे हुए प्याज को डाल के अच्छे से मिलाएंगे। प्याज थोड़ा पकने के बाद आला लहसुन पेस्ट डालना है। अच्छे से एक बार मिलाना है, उसके बाद हल्दी पाउडर डालना है। कटा हुआ बैंगन मिला के अच्छे से एक बार भूनना है। अब इसके अंदर पानी मिलाना है। अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी मिलाइए, नहीं तो बैंगन पकने के लिए जितना चाहिए उतना पानी मिलाना है। अब स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और मसाला। जैसे कि मैंने बताया, मैंने गोड़ा मसाला ऐड किया है, आप चाहिए तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर से एक बार अच्छे से सब चीज़ मिला के ढक्कन लगा के पकाना है। अब इस स्टेज पे गुड़ मिलाया है मैंने, अगर आपको मीठा नहीं चाहिए तो ये स्किप कर सकते हैं। ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देते हैं। बीच बीच में चेक कीजिए, अगर पानी सूख गया है तो फिर से थोड़ा पानी मिलाइए। सब्ज़ी लगभग तैयार है। बैंगन को एक बार चम्मच से कट करके देख लीजिए, आसानी से कट रहा है। तो भाजी अब तैयार है। इस स्टेज पे भुना हुआ मूंगफली की पाउडर को मिलाएंगे। दरदरा पीस लिया है मैंने मूंगफली के पाउडर को। ये लीजिए, बैंगन की सब्जी तैयार है। मैं आशा करती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से ऐसे ही एक आसान रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।